हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रंची, माउथ मेल्टिंग मुरकू। मुरकू के बिना तो कोई भी फेस्टिवल अधूरा ही है, पर इस मुरकू को हम बनाएंगे गेहूं के आटे के साथ। तो ऐसे हेल्दी टेस्टी मुरकू के लिए मैंने लिया है गेहूँ का आटा और ये है चावल का आटा। 2 कटोरी गेहूँ का आटा था, 1 कटोरी चावल का आटा, 1 स्पून जीरा, 1 स्पून अजवाइन, तिल्ली, नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, उसके अलावा ये है तेल तलने के लिए। सबसे पहले मैंने एक कॉटन का क्लॉथ लिया है, उसके ऊपर डाला है 1 कटोरी चावल का आटा और ये है गेहूं का आटा 2 कटोरी। 1 कटोरी हम लोग लेंगे चावल का आटा और 2 कटोरी गेहूं का आटा है। अगर सिर्फ गेहूं के आटे से बनाएंगे तो तेल तलते समय बहुत ज़्यादा सोख लेगा, इसलिए चावल का आटा मिक्स करना ज़रूरी है। अब मैं इसको अच्छे से गठान बांध रही हूँ, दोनों कॉर्नर हमें ये ऐसे बांधना है ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। अभी मैंने एक कढ़ाई रखा है, उसमें डाला है थोड़ा सा पानी और एक छेद वाला बर्तन रखा है स्टीमर। उसके बाद मैंने एक बाउल रखा है और उसमें हमारी पोटली रख के मैंने इसे बंद कर दिया। इसे 15 से 20 मिनट तक स्टीम करना है। 15 मिनट बाद मैंने चेक किया है, इसका काफ़ी अच्छे से स्टीम हो गया। अब मैं इसे निकाल के ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। अब ये ठंडा हो गया है, अब इसका मैं पोटली खोल रही हूँ। खोल के पहले इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ लेंगे, क्योंकि हमने स्टीम किया इसलिए ये थोड़ा सा सख्त हो गया है। अब देख सकते हैं इस तरीके से ये थोड़ा सा सख्त हो गया है, तो पहले हम लोग इसको हाथ से थोड़ा सा तोड़ लेंगे। तोड़ के छन्नी लेके इसे छान लेंगे, इसमें कोई भी गुठली नहीं होना चाहिए। अगर गुठली रहेगा तो मुरकू बनाते समय मुरकू की मशीन में फंस जाएगा। अब मैंने लिया है छन्नी, छन्नी में डाल के इसको मैं छान रही हूँ। ये मुरकू बहुत जल्दी बनता है और बहुत हेल्दी है। हेल्दी इसलिए है क्योंकि हम लोग इसको गेहूँ के आटे से बना रहे हैं। और अभी मैंने इसको अच्छे से तोड़ लिया है, तोड़ के मैं भी इसे छान रही हूँ। ये मुरकू आप फेस्टिवल में ही नहीं, ऐसे ही इवनिंग स्नैक्स या कहीं हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं तो एज ए स्नैक्स इसे हम लोग बना के ले जा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, माउथ मेल्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अब आटा छन चुका है, मैंने रखा है एक पैन, तड़का पैन, उसमें मैं 2 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया उसको मैंने डाला है आटे के ऊपर। ये मोयन है, इसको डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई मसाले। आटे में काफ़ी अच्छे से तेल मिक्स हो चुका है। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है हल्दी। हल्दी जस्ट मैं कलर के लिए 1/4 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 स्पून जीरा है और 1 स्पून अजवाइन है और 2 टीस्पून सफ़ेद तिल्ली है। आप चाहो तो काली तिल्ली का भी इस्तेमाल कर सकते हो और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। बस डाल के अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम लोग एकदम अच्छे से सॉफ्ट आटा बना लेंगे। जैसे हम लोग रोटी का आटा बनाते हैं उसी तरीके से हमें आटा बनाना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, जितना ज़रूरत है उतना पानी डाल के इसका एकदम अच्छे से सॉफ्ट डो बना के रेडी करना है। अब मुरकू का एकदम सॉफ्ट डो बन के रेडी है, इसे मैं रख रही हूँ साइड में। अभी मैंने लिया है मुरकू बनाने वाला मशीन, उसमें मैंने डाला है मुरकू का साँचा और इसे टाइट बंद कर लिया है। बंद करके इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। ऑयल से ग्रीस करने से मुरकू बनाने में आसानी होती है, इसमें आटा फंसता नहीं है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आटा। आटे को मैंने सिलेंडरिकल शेप में बनाया है, बना के इसको मैंने डाला है मुरकू की मशीन में। डाल के अभी मैंने मुरकू का मशीन बंद कर दिया है। बंद करके अब इसके मैं छोटे छोटे मुरकू बना रही हूँ। मुरकू बना के मुरकू का जो इंड होता है उसको अच्छे से हमें प्रेस करना है, अदरवाइज जब हम लोग तेल में मुरकू डालेंगे वो टूट जाएगा। अब सारे मुरकू बनके रेडी हैं। मैंने तेल पहले गर्म होने रख दिया था, अभी मैं इसमें एक एक करके मुरकू डाल रही हूँ। डालते समय तेल अच्छे से गर्म होना है, फिर उसके बाद हमें गैस का फ्लेम स्लो करना है और मीडियम हाई फ्लेम पे पलटते हुए इसे अच्छे से फ्राई करना है। अगर तेल गर्म नहीं रहेगा और हम लोग मुरकू डाल देंगे तो वो तेल में डालते साथ खुल जाएगा और बहुत ज़्यादा तेल सोख लेगा। और एकदम कंटिन्यूसली गर्म हाई फ्लेम पे हम लोग फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो ये गोल्डन ब्राउन दिखेगा बट अंदर से कच्चा रहेगा, इसलिए मीडियम हाई फ्लेम पे पलटते हुए क्रिस्पी या गोल्डन ब्राउन होते तक इसे फ्राई करना। ये मुरकू आप दिवाली, दशहरा, होली, संक्रांति, किसी भी स्पेशल ओकेशन पे आप बना सकते हो या एज ए सिंपली जब भी आपको कोई अच्छा स्नैक्स खाने का मन कर रहा हो तो आप घर में गेहूं के आटे के साथ ये हेल्दी मुरकू बना सकते हो। इसका शेल्फ लाइफ 1 मंथ है, 1 मंथ तक के ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। अब ये मुरकू फ्राई हो गए हैं, इनको मैं निकाल रही हूँ टिश्यू पेपर के ऊपर। अब सेम इसी तरीके से मैं बाकी के मुरकू को भी फ्राई करूँगी।
जिस तरीके से मैंने बताया है सेम वही मेजरमेंट के साथ और उन्हीं टिप्स के साथ अगर आप बनाओगे तो आपके मुरकू भी एकदम हलवाइयों जैसे या जो हम लोग मार्केट्स के खरीद के लिए कराते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। अब सारे मुरकू बन गए हैं, अब आप भी इसे बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।